अब मैथ के साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोई भी अगर प्रॉब्लम, तो उसका आपको इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप पे 8400400 पे आपको उस प्रॉब्लम का फोटो खींचनी है और अच्छी तरीके से क्रॉप करना और उसे इस नंबर पे सेंड कर देना, उसका आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12th और IIT JEE लेवल तक की आपको सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो मिल जाएंगे। बस आपको व्हाट्सएप करना होगा या फिर इनकी ऐप पे जाना होगा, डाउटनेट ऐप पे। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इन JEETECH फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल, और 2020 का JEE मेन का एग्ज़ाम हमारे जल्दी उसकी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 सितंबर से उसकी टेंटेटिव डेट आई हुई है कि आपकी रजिस्ट्रेशन से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर एक डाउट, हर एक पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आता, वो उसका हम आपको साथ हर एक वीडियो के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। बस आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट आपको देना है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप JEE मेंस के एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हो, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं आपके पास JEE मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए आफ्टर प्लस टू, ठीक है। उसके बाद एक बात और आती है कि एक साल के अंदर आपको कितने अटैम्प्ट मिलते हैं कि आप अपने JEE मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हो, उससे अच्छा स्कोर करके NIT और IIT के अंदर एडमिशन वो ले सकते हो। तो जाने सारी बातें जितनी भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो आपको सारी हमारे इंजीनियर टेक फैमिली पे आपको सारी बातें मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आपको हमारे चैनल खास जुड़ना होगा और 2020 के जितने भी अटेम्प्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो। सबसे पहली बात तो ये आती है कि 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी JEE मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट आपको बताऊँ उसे थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होने वाले हैं हमारे पास। तो ये बात आती है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो सबसे पहली बात आती है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके होते हैं 3, मतलब 3 कंजुकेटली होते हैं, मतलब आपको कंटिन्यूसली, मतलब मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स ने 2018 के अंदर अपनी प्लस टू को क्लियर किया है, अब उसने 2018 के अंदर अपनी प्लस टू क्लियर की है तो 2018 में उसे मौका मिलेगा कि वो 2018 में JEE मेंस के एग्ज़ाम वो दे सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल आता है 2019 के अंदर भी वो एग्ज़ाम दे सकता है और 2020 के अंदर भी एग्ज़ाम वो दे सकता है, मतलब सीधी सी बात है कि उस स्टूडेंट्स को 2018 में जिन्होंने प्लस टू क्लियर की है वो स्टूडेंट्स इस साल मतलब 2020 के अंदर JEE मेंस की रजिस्ट्रेशन करनी है उनको और वो JEE मेंस का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं और वो NIT IIITs के अंदर एडमिशन वो भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात हो रहती है कि यहाँ पे फिर 2017 वाला स्टूडेंट्स क्या JEE मेंस का एग्ज़ाम वो दे सकता है, तो 2017 वाला स्टूडेंट्स वो JEE मेंस के एग्ज़ाम वो नहीं दे सकता, हालांकि चाहे कुछ भी हो, मतलब उसने चाहे 2018 का एग्ज़ाम ना दिया हो या फिर उसने 2019 का एग्ज़ाम ना दिया हो, लेकिन वो 2020 का एग्ज़ाम वो नहीं दे सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्लियर हो गई है कि 2017 वाला स्टूडेंट्स JEE मेंस के एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। उसके बाद बात आती है कि अपनी 2021 का एग्ज़ाम कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो 2021 का एग्ज़ाम है वो हमारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं 2019 वाले स्टूडेंट, सिर्फ 2019 वाले स्टूडेंट्स 2021 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2018 जिन्होंने अपनी प्लस टू क्लियर की है वो 2021 का एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकते, ठीक है। 2019 वाले 2020 और 2021 का एग्ज़ाम है वो दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, फिर मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 2020 से लेकर 2021 तक जो हमारे मतलब 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पर 2018 वाला स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकता है सिर्फ 2020 तक, ठीक है। अब 2019 वाला जो स्टूडेंट होगा वो एग्ज़ाम दे सकता है 2021 तक, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब जो स्टूडेंट्स होंगे 2020 के अंदर उनको मौका मिलेगा 2022 तक JEE मेंस के एग्ज़ाम देने का,
तो मतलब जो 2020 के अंदर अभी जो स्टूडेंट अभी जो जेई मेंस के एग्जाम देंगे, जो प्लस टू क्लियर करेंगे, वो 2020 तक जेई मेंस के एग्जाम वो दे सकते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा नोटिस कर लेना, आपको मैंने समझा दिया है। अभी यहाँ पे कोई कमेंट करके मत पूछना कि सर हम 2017 से हैं, 2018 से हैं, तो क्या हम अगली साल एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस ईयर से लेके इस ईयर तक ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब सीधी सी बात आ जाती है कि वही कि आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं आफ्टर प्लस टू क्लियर करने के बाद, ठीक है। और वो कंटिन्यूसली होने चाहिए, कंटिन्यूसली ही चलते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने गैप ले लिया हो तो भी उसका वो मान्य नहीं होता है, ठीक है। अब आती है सेकंड ऑफ ऑल, मान के चलिए 2020 के हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे 2020 के अंदर आपको 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। मतलब जो 2020 में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं वो 2020 से लेके 2022 तक 6 अटैम्प्ट दे सकता है। मतलब 6 अटैम्प्ट होंगे उसके एग्ज़ाम के, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि 6 अटैम्प्ट में से सिर्फ 3 अटैम्प्ट ही काउंट होंगे जिसके बेस पे उसे NIT या फिर IIT के अंदर एडमिशन वो मिलेगा। अब ये क्यों है, कैसे है, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जैसे 2020 की अगर हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपको 2 अटैम्प्ट मिलने वाले, मतलब पर ईयर आपको 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। अब उन 2 अटैम्प्ट में से क्या होगा कि यहाँ पे जैसे 2 अटैम्प्ट कैसे होने वाले हैं, एक तो हमारा होगा जनवरी वाला एग्ज़ाम, ठीक है, और दूसरा होने वाला है हमारा अप्रैल वाला एग्ज़ाम। अब इन दोनों के एग्ज़ाम के मतलब रिजल्ट तो अलग अलग आएगा दोनों का, लेकिन इन दोनों की जो काउंसलिंग होने वाली है वो क्या होगी, सिर्फ एक ही होगी। तो उस काउंसलिंग के बेस पे आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, अब जनवरी वाला और अप्रैल वाला दोनों एग्ज़ाम आप दे सकते हो, जो 2018 वाला स्टूडेंट है वह भी स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, जनवरी और अप्रैल वाला एग्ज़ाम दोनों दे सकता है, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ है कि जैसे मान के चले आपने जनवरी वाला एग्ज़ाम दे दिया, उसमें आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, ठीक है, ये 2019 वाले स्टूडेंट्स को तो पता है कि इस तरीके से प्रोसेस होता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आई थिंक नहीं पता कि जनवरी वाला एग्ज़ाम और अप्रैल वाला एग्ज़ाम दोनों आपको देने होते हैं। आपको कंपलसरी नहीं है कि दोनों एग्ज़ाम दो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप अगर आपने एक एग्ज़ाम दे दिया है तो दूसरा एग्ज़ाम वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको दोनों एग्ज़ाम देने के मौके हैं आपके पास और दोनों एग्ज़ाम आप वो दे सकते हो। अगर मान के चले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जनवरी वाले एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स वो अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन अप्रैल वाले एग्ज़ाम के अंदर आपके मार्क्स वो अच्छे आ जाते हैं, तो उसकी बेस पे आपको क्या मिल जाएगा, NIT IIIT, उसके बेस पे आपकी जो काउंसलिंग है वो क्रिएट कर दी जाएगी। मतलब जो आपकी रैंक बनेगी वो इसके अप्रैल वाले एग्ज़ाम के बेस पे बन जाएगी, या फिर जिस स्टूडेंट्स ने जनवरी वाला एग्ज़ाम दे दिया उसमें उसने बहुत ही अच्छा स्कोर कर लिया है, तो वह यह मत सोचे कि मैं अप्रैल वाला एग्ज़ाम ना दूँ, क्योंकि अप्रैल वाले एग्ज़ाम में और भी स्टूडेंट बैठेंगे और वो क्या करेंगे, अप्रैल वाले एग्ज़ाम में अगर उससे अच्छा स्कोर कर लिया तो उनकी रैंक उससे भी ज़्यादा आ जाएगी। तो मतलब उस स्टूडेंट्स को भी अप्रैल वाला एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या पता उसको अप्रैल वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर है वो और भी मिल जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने हैं, किस तरीके से है, पूरी बात आप समझ चुके हैं। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मान के चले जैसे कि 2020 में जैसे 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपको 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। अभी जैसे 2019 के अंदर यही सेम प्रोसेस हुआ था, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये NTA ही हमारा जेई मेंस के एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराने वाला है। ईयर ऑफ मतलब एक ईयर के अंदर 2 अटैम्प्ट होने वाले हैं, जनवरी वाला और अप्रैल वाला, ठीक है। अब जैसे 2019 में क्या हुआ था कि एग्ज़ाम डेट आ गई थी, अब एग्ज़ाम डेट आने के बाद यहाँ पे आपको 4 डेज मतलब 4 डेज में एग्ज़ाम हुए थे, मतलब अलग अलग डेज में अलग अलग स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हुए थे। तो उसके बेस पे क्या किया था कि अलग अलग डेज पे हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग रैंक बनाई गई थी, और रैंक भी नहीं, यहाँ पे आपकी रैंक मायने नहीं रखती, यहाँ पे आपके मायने रखेगी परसेंटाइल। मतलब जो आपकी परसेंटाइल होगी वही मायने रखेगी, और हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग परसेंटाइल आएगी। ऐसा मत समझना है कि किसी स्टूडेंट्स की कम परसेंटाइल आई है तो वो क्या होगा, किसी स्टूडेंट्स की ज़्यादा परसेंटाइल आएगी तो वो क्या होगा कि मतलब उसके ग्रुप में, मतलब उस दिन जिस दिन उसका स्टूडेंट हुआ था और उसके साथ जितने भी स्टूडेंट बैठे थे उसमें से उसका स्कोर आया है। ये नहीं है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स में से स्कोर आपका काउंट किया जाता है, जो ओवरऑल स्कोर आपका काउंट होगा वो बाद में काउंट होने वाला है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, जैसे मैंने आपको सिस्टम होने वाला है आपके नंबर मार्क्स और जो कैलकुलेशन का। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न है, मतलब किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या चीज़ें आती है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम है कैसे होने वाला है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो
तो आपको हर एक वीडियो, जितनी भी वीडियो मैं नोट डालूंगा, जैसे ही मैं आपको डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसे देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और जैसे कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, जैसे मतलब आज हमें वो अपडेट हुई है और कल उसकी लास्ट डेट होती है, ऐसा होता है जी मीन्स में ओबियसली बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे कि कोरेक्शन के टाइम पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे जैसे आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जैसे मैं जिस इस दिन मैंने वीडियो डाली है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप अगले दिन उसको अपडेट कर देंगे या फिर अपनी जो भी चीज़ ठीक करनी होगी उसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच पाए, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ कि 2018 वाला स्टूडेंट्स 2020 तक एग्ज़ाम दे सकता है, 2019 वाला स्टूडेंट्स 2021 तक एग्ज़ाम दे सकता है, और 2020 वाला स्टूडेंट्स 2022 तक जेई मेंस के एग्ज़ाम वो दे सकता है, ठीक है। तो जेई मेंस के एग्ज़ाम वो दे सकता है, ये समझ गए होंगे। और हर एक ईयर मतलब अगर आप 2020 का एग्ज़ाम अभी दोगे तो आपको दो अटैम्प्ट मिलने वाले हैं, एक एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी में और एक एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो